हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन द मेजरमेंट सिस्टम द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एंड दे आर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट वी सी द व्हाट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर द क्वान्टिटीज विच आर स्लोली वेरिंग विद द टाइम। सो इंस्ट्रूमेंट की द क्वान्टिटीज जो है वो स्लोली टाइम के साथ वेरी करती है या कॉन्स्टेंट होती है, दैट कंसिडर एज अ स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टेटिक एरर, डेड जोन, प्रिसीजन, थ्रेशोल्ड एंड लिनियरिटी। वी विल लर्न वन बाय वन। नेक्स्ट वी हैव डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर चेंजेस रैपिडली विद द टाइम। सो इंस्ट्रूमेंट के जो भी क्राइटेरिया है विच आर चेंजेस रैपिडली विद द टाइम, सो समय के साथ रैपिडली चेंज होते हैं, दैट कैन कंसिडर एज अ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, फिडेलिटी, लेग एंड डायनेमिक एरर। फर्स्ट विल लर्न द स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर द स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वॉट इज एक्यूरेसी? सो एक्यूरेसी कैन बी डिफाइन एज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस एंड प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ईच अदर। हम थोड़ा इसको आगे देखते हैं डिटेल में। सो दिस इज अवर बुल्स आई, इज अ वेरी फेमिलियर पिक्चर। सो इफ वी वॉन्ट टू एम दिस टारगेट, अगर हमें एम करना है और हमारे सारे जो रीडिंग्स हैं उसके आजू बाजू आते हैं, मतलब ट्रू वैल्यू के नज़दीक आते हैं, क्लोज आते हैं, तो वी कैन कंसिडर एज ए हाई एक्यूरेसी। और हमारे हर एक रीडिंग जो भी है, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट। सो सारे हमारे मेजरमेंट भी एक दूसरे के नज़दीक है। सो दिस पिक्चर नंबर वन इज कंसिडर एज अ हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेकेंड बुलसाई, सो उसमें हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हमारा जो एम है, सो हमारे सारे मेजरमेंट जो है वो एम से काफ़ी दूर है। सो इसमें लो एक्यूरेसी है, मगर रीडिंग्स जो है वो एक दूसरे के नज़दीक है, तो इट कंसिडर एज ए लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। थर्ड है जो हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसके आजू बाजू सारे हमारे रीडिंग्स हैं, सो इट कंसिडर एज अ लेस एक्यूरेट। और जो हर एक रीडिंग्स जो है, हर एक मेजरमेंट जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, सो इट कंसिडर एज अ लो प्रिसीजन। एंड दिस फोर्थ एग्जाम्पल, उसमें ट्रू वैल्यू है, हमारा एम है, सो सारे मेजरमेंट उससे काफ़ी दूर है, सो इट कंसिडर एज ए लेस एक्यूरेसी एंड लेस प्रिसीजन, बिकॉज प्रिसीजन भी बहुत कम है क्योंकि हर एक जो मेजरमेंट है उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू एक दूसरे से काफ़ी दूर है, सो इट कंसिडर एज ए लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। सो वी कैन से दैट एक्यूरेसी इज कंसिडर एज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस एंड द प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ लीनियरिटी। जैसे लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम विच फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो इन दिस ग्राफ वी कैन सी दैट वी हैव अ इनपुट एंड आउटपुट, सो दिस इज द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, समटाइम्स कंसिडर एज ए, इट कंसिडर एज ए वाई इज इक्वल टू एम एक्स। और ये जो सिस्टम है वो नॉन लीनियर सिस्टम है। सो लीनियरिटी इज डिफाइन एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकली एंड लीनियरली, सो दिस कंसिडर एज अ लीनियर सिस्टम and this is our non-linear system. Linear system will also follow the principle of superposition and homogeneous law. Next is the dead zone. So dead zone can be considered as the, it is the largest change of the input quantity for which there is no output. अगर हम input और output का graph देख रहे हैं, so यहाँ हम input दे रहे हैं, हमको कोई output नहीं मिल रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, so this area we are giving the input and we are not getting any output, so this area can be considered as a dead zone. तो सिस्टम में डेड जोन बहुत ही कम होना चाहिए। सो फाइनली वी कैन से दैट डेड जोन इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ द इनपुट क्वांटिटी फॉर देयर इज नो आउटपुट। सो ये अगर हम पूरा रीजन देखें तो यहाँ हम इनपुट देते, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, सो दिस कंसिडर एज अ डेड जोन। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ स्टेटिक एरर। सो स्टेटिक एरर इज द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर वेरिएबल। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कैन बी कंसिडर एज ए अनडिजायरेबल चेंज इन द आउटपुट। सो हमारे आउटपुट में जो रैंडम और अनडिजायरेबल चेंज होता है, दैट कैन कंसिडर एज अ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में देर आर सो मेनी टाइप्स, स्पाइनल ड्रिफ्ट रहती है, जोन ड्रिफ्ट है, वो हम डिटेल में फिर से देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ थ्रेशोल्ड, सेंसिटिविटी एंड बायस। लेट्स टेक वॉट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड। सो थ्रेशोल्ड, इफ द इंस्ट्रूमेंट इनपुट इज इंक्रीज वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो, देर विल बी सम मिनिमम वैल्यू बिलो विच नो आउटपुट
change can be detected, and that minimum value defines the threshold of the instrument. So we can say that ki hum input dete from zero, there will be some minimum value below which no output change can be detected. So wo jo minimum value hai, that consider as a threshold to the instrument. Next we have a sensitivity. Sensitivity is the ratio of change in output to the change in input. अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी. एक सेंसिटिविटी होती है कि भाई चेंज इन आउटपुट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन डिस्टर्बेंस, और चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट. सो नेक्स्ट इज बायस. बायस कैन बी कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू. अगर हम कोई माइक्रोमीटर स्क्रू से या वर्नियर कैलिपर से कुछ चीज मेजर करते हैं, अगर उसका डायमेंशन है, एग्जैक्ट डायमेंशन है 1 मीटर, सो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा कि हम जितने भी मेजरमेंट लेते हैं उसका एवरेज क्या है कि हमने वन एक्चुअली हमारा जो है वो 1 मीटर मेजर करना है या कुछ उससे भी कम मेजर करना है. सो उसके जो भी रीडिंग हो गए उसके आजू बाजू में 0.8 है, 0.2 है, 0.4 है, 0.9 है. सो उसका जो भी एवरेज वैल्यू होगा, इट्स कंसिडर एज एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी. Reproducibility is the closeness with which the same value of the input quantity is measured at different type and under different condition of usage of the instrument and by the different instrument. So reproducibility को हम कह सकते हैं कि same value of the input quantity हम measure करते हैं different time पे, different operating condition पे and by the different instrument. So क्या result आता है? So reproducibility system की अच्छी होनी चाहिए. Next we have which is a repeatability. Repeatability is describe the closeness of the output reading when the same input is applied repeatedly over a short period of time with the same measurement condition, same instrument and same observer and same location and same condition of the use maintained throughout. It is affected by the internal noise and drift. So repeatability can be considered as a closeness of the output reading when the same input is applied. Same input देते हैं, so output के क्या क्या reading आते हैं, that consider as a repeatability. Next we have which is a tolerance. Maximum allowable error in the measurement is specified in terms of tolerance. So हमारी measurement system में हम maximum कितनी error को allow कर सकते हैं, अगर हमारा कोई measurement है, critical measurement है, so tolerance उसको ऐसे define करते हैं कि maximum कितनी error allowable है. Next we have which is a range and span. Range or span, minimum and maximum value of the quantity for which an instrument is designed to measure is called a range or span. Range generally, span range जो होती है वो minimum और maximum होती है. Span generally हम कोई भी जैसे electrical signal है तो 3 to 15 psi का span देते हैं. Electrical signal है, sorry, so 4 to 20 milliampere का span रहता है. Pneumatic system है तो 3 to 15 psi का span रहता है. So that is considered as a range and span. Next we have which is a dynamic characteristics. So the set of criteria defined for the instrument which are changes rapidly with the time, it's considered as a dynamic characteristics. So in the dynamic characteristics we have a dynamic error. Dynamic error is the difference between true value and the measure value. It is the difference between the true value of the quantity changing with the time and the value indicated by the measurement, which means measure value, if no static error is assumed. A dynamic error hum consider kar rahe hai, so we are not assuming the static error. Next we have the speed of response. Speed of response is defined as the rapidly with which measurement system respond to change in the measure quantity. So speed of response system ka acha hona chahiye. Fidelity is defined as the degree to which a measurement system indicate the changes in measure quantity without any dynamic error. So hamari jo system hai, hamara measurement hai, wo kitna acha perform kar sakta hai without a dynamic error. So system ki fidelity zyada honi chahiye. Lastly lag. So the delay in the response of the instrument to a change in the measure quantity is sometimes referred as a measuring lag. So hum kisi bhi cheez ko measure karna chahte hain magar there will be a some lag. Agar hum process control ki baat kare, so there are so many lags are available. Process lag hota hai, control lag hota hai. So system mein jo lag hai wo bahut hi kam hona chahiye. So these are all about the static and dynamic characteristics of the instrument. Quickly revise the static characteristics, उसे कहेंगे they are slowly varying with the time or mostly constant, and the dynamic characteristics of instrument उसे कहेंगे which are changes rapidly with the time. We have seen the examples of static characteristics and dynamic characteristics. So thank you very much. I hope you like this video. Thank you. Jai Hind.